तो देख सकते हैं हमारा जो है हड़ताल चल रहा है, काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं। देखिए कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमारे यहाँ पे कल जो है हड़ताल हो चुका था, तो कारण हुआ ये था कि स्विगी के तरफ से जो फ्लैट पे का मैसेज आता है सुबह सुबह कि आपका जो है फ्लैट पे 10 रुपए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो हमको 90 रुपीज मिल रहे थे अब हमको 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो मैं भी बोलता हूँ ठीक है, आराम से 11 बजे जाएंगे, 20 ऑर्डर मारेंगे, 12 घंटा काम करेंगे, 2000 रुपए हो जाएगा। पर जैसे ही मैं जोन में पहुंचता हूँ उसके बाद क्या होता है, और दोपहर के 12 बजते हैं, तो 12 बजते ही कंपनी क्या करती है, हमारा जो है फ्लैट पे आईडी को बंद कर देती है। ठीक है, हमारा अकेले का नहीं है, मतलब कुछ लोगों का बंद कर देती है। तो बंद करने के बाद जो है उसके बाद मेरा तो मन करता नहीं है, क्योंकि 12 बजे के बाद आपका दशहरा था कल के दिन, और दशहरा के दिन में हमको एक्स्ट्रा जो है 20 रुपए मिल रहे थे उधर, और 10 और 18 रुपए इधर ऑर्डर नहीं, यानी कि 38 रुपीज पर ऑर्डर हम लोग को मिल रहे थे। तो मैंने कहा यार दशहरा के दिन में हम लोग को 38 रुपए मिलेंगे यार, मजा नहीं आएगा। तो फिर कुछ 3-4 लोगों ने मुझे फोन किया, बोला कि आजा भाई, मैं हम लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, तू भी ज्वाइन कर ले। तो मैंने मेरे मन में तो एक तो खुन्नस ऐसे ही पहले से था ही, एक तो उस दिन ऑर्डर करवाया नहीं और कल करवाया, फिर उसके बाद आज फिर ये दशहरा के दिन में इन लोगों ने ये हालत कर दिया। अब यार आप सोच के जाते हैं 2000-3000 कमाने का, पर आपको जो है पता चलता है कि आज आप 500 रुपए भी नहीं कमा पाएंगे, तो आपके मन में कैसा लगेगा। यही बात है, तो मैं भी गया वहां पर, तो लोगों ने बताया ऐसा ऐसा बात है, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी बंद कर लेता हूँ अपनी आईडी। फिर उसके बाद हम लोग लगभग 4 लोगों से लगभग 12-15 लोग हो गए, और कुछ लोगों को जो है हम लोगों ने बोला कि भाई ऐसा बात है तू भी आईडी बंद कर ले, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं भाई मैं काम करूंगा, मेरे को पैसे की दरकार है। तो लोग हम लोगों ने यही कहा कि यार देख सब दिन तो काम करते ही है तू, आज पूजा है, दशहरा के दिन है, यदि तू भी बंद कर लेगा तो और भी हम लोगों का बात जो है आगे तक बढ़ेगा। पर उन लोगों ने कहा कि नहीं मैं काम करूंगा, मुझे पैसे की दरकार है, तुम लोगों को जो करना करो, मैं अपनी काम करते रहूंगा। तो ऐसा उन लोगों ने सही किया गलत किया ये आप लोग ही बताएं। अब मान लीजिए आप 15-20 लोग हड़ताल कर रहे हैं और लगभग 200-250 लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें कंपनी का तो काम चल ही रहा है, कंपनी क्यों बढ़ाएगी, क्यों हमारी बात सुनेगी, नहीं सुनेगी वो हमारी बात। तो बात यही हो गया था कल कि कुछ लोग काम कर रहे थे और कुछ लोग जो है हड़ताल पे थे, तो कंपनी का जो है काम चल ही रहा होता है और कुछ लोग हड़ताल पे थे, तो बस ऐसा ही था। और उसके बाद कुछ देर के बाद हम लोग टीएल के फोन करते हैं कि सर आइए यहाँ पे कुछ बातें करनी है, तो वो लोग नहीं आते हैं। फिर उसके बाद जिनको एक जन को लीडर बनाया जाता है कि मतलब बात करेंगे वो हमारी तरफ से टीएल से, तो उसके बाद एक जन हमारे लीडर थे, तो टीएल हमारी जो क्या करती है कि उनकी जो आईडी है वो टर्मिनेट कर देती है, टेम्पररी टर्मिनेट करती है, जो हमारे जो है लीडर रहते हैं ठीक है उनकी आईडी को टर्मिनेट करती है, जबकि हम लोग सब थे यहाँ पर 10-15 लोग थे, पर हम लोग आईडी जो है टर्मिनेट नहीं करती है, सिर्फ एक ही जन का टर्मिनेट करती है जो बात करेगा। तो अब होता क्या है, उसकी आईडी टर्मिनेट करने के बाद टीएल आता है 3:30-4 बजे करीब में, फिर उसके बाद अब तो जो लीडर है उनकी आईडी टर्मिनेट कर दी गई है, अब वो भी फैमिली वाले हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, तो उनको तो मन में डर है कि भाई मेरी नौकरी चली जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है उनका जो है जुबान जो है वो स्लो हो जाता है बात करने में, और वो भी डरे से रहते उसका टीएल अपनी बातें करता है, उसके बाद सब बातें होती है कि सर सर्च को देखिए कम बढ़ाइए कम से कम 10-15 रुपए, पर वो लोग नहीं क्या नहीं मानते, वो लोग बोलते नहीं जो रहेगा वही रहेगा। फिर उसके बाद आपस में हम लोग 10-15 जन रहते हैं, बोलते ठीक है फिर हम लोग आज काम नहीं करेंगे। फिर उसको चिंता भावना टीएल करने के बाद बोलते ठीक है लेट नाइट पे हम लोग 11 से रात को पूरे रात 80 रुपए करके चलाएंगे। यार हम लोग साइकिल से है, कुछ लोग बाइक से है, और पूजा का टाइम है, लोग दारू पी के बाइक चलाते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं वो काफी ज्यादा ही रिक्स रहता है, तो 11 बजे के बाद साइकिल वालों का रुकना ये सही नहीं रहेगा। तो यही सोचकर टीएल ने 80 रुपए बढ़ाया ताकि ये लोग भी रुके। पर उसके बाद फिर ये सब बातें होते 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 लगभग 5:30 बज गई, फिर उसके बाद मैंने कहा यार अब मैं काम नहीं करूंगा। फिर मैं ट्राई करने के बाद एक बार क्या करता हूँ कि मैं एक बार लॉगिन कर ही लेता हूँ 5:30 बजे करीब में। फिर जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो हमारा जो ऑर्डर मिलता है जहाँ पे आपका पेंडल बना हुआ है, पूजा दुर्गा पूजा हो रहा है, वहाँ से हमारा पिकअप है, और वही और दूसरे जगह में वहाँ पे देना है जहाँ पे पूजा हो रहा है और वहाँ पे भी पेंडल है और भीड़ भाड़ लगा हुआ है उसी जगह में। तो मेरा मन खराब हो जाता है और मैं जो है ऑर्डर को रिजेक्ट मार देता हूँ और ऑफलाइन होकर घर चला जाता हूँ। तो हमारा जो है हड़ताल कल सक्सेस नहीं होता है, और ऐसा काफ़ी सिटी में भी सक्सेस इसीलिए नहीं होता है, कारण ये है कि एकता नहीं है, कुछ लोग काम करते रहते हैं, क्योंकि स्विगी वाले तो जानते हैं यार तुम काम नहीं करोगे कोई और काम करेगा,
वो काम नहीं करेगा, कोई और काम करेगा, हम सर्च देंगे। अब कितने सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 10 रुपए 7 रुपए जब स्विगी सर्च देती है उसमें भी वो लोग भागे भागे से चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि कोई बात कर रहा है, कोई हड़ताल कर रहा है, तो उनकी उनके साथ देना चाहिए, तभी बात जो है आगे बढ़ेगी। ये सब जो है फिर उसके बाद हम लोगों का बात होते होते फिर डीएल जो है क्या करता है, 40 रुपए सर्च बढ़ाता है, मतलब 20 रुपए सर्च बढ़ाता है, और लेट नाइट और 7 बजे से 5 रुपए बढ़ाता है। तो इस तरह से क्या होता है, 15-20 दिन हम लोग हड़ताल पे थे और जो है 5-20 रुपए जो हम लोगों की वजह से बढ़ा है, वो जो काम कर रहे थे वो भी फायदा उठा रहे थे, यानी कि उन लोगों के हो गए बल्ले बल्ले और उन लोगों ने हड़ताल में हमारा साथ भी नहीं दिया। तो बस यही कुछ था, कल का हमारा जो है दिन खराब हो चुका। और कल जो है मैं अपनी सारी अर्निंग दिखाऊंगा कि अब तक हमारी अर्निंग कितनी हुई है, और कल का वीडियो ही लास्ट रहेगा क्योंकि 2 दिन हमारा इस तरफ खराब हुआ, 1 दिन रेस्टोरेंट वाले, यानी कि 3 दिन का हमारा जो है अर्निंग जो है वो कम हो गई इसीलिए। और 2 दिन बचे हैं उस तरफ आपका, हमने बोला था कि हम 15 तारीख तक वीडियो बनाएंगे, पर हम जो है संडे को ही वीडियो को क्लोज करते हैं क्योंकि मुझे अब मन नहीं कर रहा है। क्योंकि यार देखो, जब आप टारगेट लेते हो और 3-4 दिन जब ऐसे ऐसे बातें होती रहती है तो फिर मज़ा नहीं रह जाता है। और मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि ये भी एक पार्ट है, और 6-7 महीने में हर स्टेट में हर सिटी में आप देखते रहेंगे कि स्विगी जोमेटो वाले ने हड़ताल किया, पर उनकी बातों को कोई समझता नहीं है। कारण यही है कि कुछ लोग हड़ताल करते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, अपने लोग ही, इसलिए ऐसी बातें होती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे डे 15 में, और सारी अर्निंग हम आपको शो करने वाले हैं अब तक का। दोस्तों तो देख सकते हैं सैटरडे 12 अक्टूबर की हमारी अर्निंग जो है वो 0 हुई है, और एक जो है हमने रिजेक्ट मार दिया है। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.1 किलोमीटर जाने थे जिसके हमको मिल रहे थे सिर्फ 58 रुपीस, तो इसीलिए हमने जो है रिजेक्ट मार दिया।